start chapter number 3 of Mr. Chiff and it's about after retirement life. ठीक है, हमने फर्स्ट चैप्टर्स में पढ़ा था कि मिस्टर चिप्स की क्या सारी रूटीन थी और क्या उन्होंने किया था, लेकिन अब चैप्टर नंबर 3 में क्या है उनकी आफ्टर रिटायरमेंट लाइफ, उनके उन्होंने किस तरह से गुजारी, वो कहाँ रह रहे थे, ये सारी चीज़ें जो डिस्कस है चैप्टर नंबर 3 में. अब सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि मिस्टर चिप्स का रूम कैसा था. ठीक है, अब मिस्टर चिप्स जो है, मैंने ये पिछले चैप्टर में बताया था कि मिसेज विकेट के घर रहते हैं. ठीक है, मिसेज विकेट का जो घर था ना वो बहुत ही अगली हाउस था, लेकिन मिस्टर चिप्स, जैसे कि आपको पता है कि वो एक टीचर है, तो उन्होंने अपना रूम बड़ा अच्छे से ऑर्गेनाइज रखा हुआ. नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द थिंग्स जो उन्होंने अपने कमरे में रखी हुई. छोटा रूम था, एक सभी रूम था. सो एज मिस्टर चिप्स एक टीचर थे, तो उनके कमरे में क्या चीज़ें पड़ी हुई थी. सबसे पहले एक बुक शेल्फ थी जिसमें नॉवेल्स एंड बुक्स थे, क्लासिक नॉवेल्स सिर्फ उनके रूम में, एंड उनका रूम बहुत छोटा था, स्मॉल रूम था, लेकिन सनी रूम था. ठीक है, एंड एक मेंटल पीस था. मेंटल पीस का मतलब है कि जो आग जलाने वाली पुराने ज़माने में होती थी ना, कि आग जलने वाली थी, किस तरह से रैक सा बना होता है, चिमनी के पास जो रखा होता है जंगला सा, उसको कहते हैं. ठीक है, एक बुक पड़ा हुआ था और रूम में हिस्ट्री की पिक्चर्स थी. ठीक है, हिस्टोरिकल कुछ पिक्चर्स थी. और जो मिस्टर चिप्स हैं, इस चैप्टर नंबर 3 में बताया है कि जो मिस्टर चिप्स हैं वो नॉवल किस तरह के पढ़ते थे. एक तो क्लासिक नॉवल पढ़ते थे, दूसरा उनके जासूसी नॉवल्स होते थे. ठीक है, बट जैसा कि हमें पता है कि एज के साथ साथ जो हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, जो कि चैप्टर स्टार्ट बुक का है, वही ऐसे है. फर्स्ट लाइन क्या है कि जब इंसान बड़ा हो रहा होता है, एज ज़्यादा हो रही होती है, तो वो लेज़ी फील कर रहा होता है. तो इसमें क्या बताया है कि मिस्टर चिप्स मुश्किल से एक या दो लाइन्स या मुश्किल से एक पेज ही पढ़ पाते थे, एंड देन जो क्या था वो सो जाते थे. ठीक है, उसके बाद इस चैप्टर में चैप्टर नंबर 3 में बताया कि मिसेस विकेट जो है वो लीनियन रूम की इंचार्ज थी, और जब उन्होंने कुछ पैसे इकट्ठे कर लिए तो उन्होंने वो जॉब छोड़ दी. ठीक है, और उन्होंने अपने घर में मिस्टर चिप्स को भी रखा हुआ था, जो कि बिल्कुल ब्रूक फील्ड स्कूल के सामने, तो उस स्कूल के बिल्कुल सामने मिस्टर चिप्स रहते थे. और आपको पता है कि वो स्कूल की घंटियों को, बेल को जो रिंग होती थी, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने अपनी लाइफ को सेट किया हुआ था, रूटीन वैसी रखी. ठीक है, तो सोने से पहले वो एक नॉवल पढ़ते थे, जितना वो पढ़ सकते थे. ठीक है, एंड क्या होता था वहाँ पे कि वो कुछ स्टूडेंट्स को, पुराने स्टूडेंट्स को अपने पास इनवाइट करते थे, सो दैट उनको एक तो इन्फॉर्मेशन भी रहे कॉलेज की, स्कूल की, कि स्कूल में किस तरह हो रहा है, क्या चीज़ें चल रही हैं. दूसरा उनको शौक भी था, पुराने स्टूडेंट्स खुद भी उनको मिलने आते थे, न्यू स्टूडेंट्स, तो उनको चाय पे बुलाते थे, तो उनको वो चाय टी एंड टी केक सर्व करते होते. ठीक है, तो विजिट करने अब वो खुद भी चले जाया करते थे ब्रूकफील्ड में. तो उसकी ग्राउंड में क्या होता था कि मिस्टर चिप्स जो हैं वो ग्राउंड वगैरह लगाते थे, एंड स्टूडेंट्स को मिलते थे, उनको बड़ा अप्रिशिएट करते थे, एंड स्कूल के बारे में थोड़ा बहुत गाइड भी करते. उसके बाद ये एक दफ़ा बताते हैं कि दो स्टूडेंट्स थे जिनका नाम है, एक का नाम है ब्रैंड सम, कहते थे जब ये दो स्टूडेंट्स जो है ना, जब मिस्टर चिप्स को मिलने आए थे ना, तो उन्होंने उनके साथ भी वैसे ही बड़ा टाइम स्पेंड किया और उनको बताया. जो कॉलिंग पॉइंट है ना, ये इनके ब्रैंड सम के जो अंकल थे. ठीक है, और ये बड़ी अच्छी पोस्ट पर भी लगे थे ब्रूकफील्ड स्कूल से पढ़ने के बाद, इनको ये काफ़ी अच्छी पोस्ट पर लगे थे, लॉयर बने थे, एंड इनके हिस्से में जो है ना ये मारे गए, और इनको एक मेडल भी मिला था DSO के नाम से. एक मेडल, इनको ना मेडल DSO के नाम मेडल मिला था, DSO के नाम से, डिस्टिंग्विश्ड सर्विस ऑफिसर. ठीक है, और ये हिस्से में मारे गए थे, इनके एक बताया ना आर्मी में गए थे. तो इन्होंने जाते हुए क्या था, ब्रैंसन ने मिस्टर चिप्स को जाते हुए बोला था कि मिस्टर चिप्स जो है, ही इज़ ए क्वाइट टिपिकल बैचलर. तो टिपिकल बैचलर्स उस टाइम में उसको कहा जाता था कि जो कंवारा होता था. ठीक है, तो एक मिसाली कंवारा उनको कहा गया. लेकिन इसका क्या मतलब है, इससे पता चलता है कि स्टूडेंट्स क्योंकि वो अकेले रहते थे, जब उनकी शादी हुई थी वो आप ग्रेजुएट आगे पढ़ोगे, हालांकि वो मैरिड थे लेकिन स्टिल वो अकेले रहते थे, तो सब उनको समझते थे कि ये मिस्टर चिप्स जो हैं वो कंवारे, तो इसलिए उनको टिपिकल बैचलर का नाम जाते हुए वो देखे गया था. विस्पर किया था एक स्टूडेंट ने दूसरे स्टूडेंट के कान में, तो वो मिस्टर चिप्स ने सुन लिया था, जिसको सुनने वो हंसने लगे. दैट्स इट फॉर टुडे. चैप्टर नंबर 3 में यही मेन पॉइंट्स था जो मैंने आपको बता दिया. आई होप आप सबको बड़ी अच्छी समझ आ गई. थैंक यू.